दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड किन्नरों की उत्पत्ति में यह जाना था कि किस प्रकार राजा इल अपनी सेना सहित पुरुष से स्त्री बन गए थे और देवी पार्वती ने राजा इल को एक माह तक पुरुष रूप में तथा एक माह तक स्त्री रूप में रहने का वरदान दे दिया था। दोस्तों, देवी पार्वती ने राजा इल से यह भी कहा था कि जब वह स्त्री रूप यानी इला के रूप में होंगे तो उन्हें अपने पुरुष स्वरूप की कोई भी जानकारी नहीं रहेगी और जब वह पुरुष रूप यानी राजा इल के रूप में रहेंगे तो उन्हें अपने स्त्री भाव के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहेगी। राजा इल ने अपने इसी स्त्री रूप यानी इला रूप में गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम पुरूरवा था। राजा इल के इला रूप से इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ था, चलिए जानते हैं कहानी के बारे में। दोस्तों, राजा इल देवी पार्वती से वरदान पाने के बाद अपने स्त्री स्वरूप यानी इला रूप में या भूल जाते थे कि वह राजा इल हैं, इसलिए वह अपने इला रूप में दूसरी युवा युवतियों की तरह चंचल होकर अपनी सैनिक स्त्रियों के साथ वहीं पर्वत पर खुशी से विचरण करने लगे थे। इस प्रकार वह चंचल इला भ्रमण करती हुई एक सुंदर सरोवर के पास पहुंच गई। उस सरोवर के निर्मल जल को देखकर इला के मन में जल क्रीड़ा करने की इच्छा पैदा हो गई और वह अपनी सभी सैनिक स्त्रियों के साथ उस सरोवर के जल में प्रवेश कर गई। दोस्तों, पर्वत पर स्थित उस शांत सरोवर के जल के भीतर चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या कर रहे थे, परंतु इतनी सारी स्त्रियों के जल में क्रीड़ा करने से महात्मा बुद्ध का ध्यान टूट जाता है और उन्हें अपनी तपस्या भंग करने वालों पर क्रोध भी आ जाता है। परंतु वह युवा महात्मा बुद्ध की नज़र जब कई स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करती इला पर पड़ती है तो उसकी सुंदरता देखकर महात्मा बुद्ध कामदेव के बाणों का निशाना बन जाते हैं और इला के बारे में सोचते हुए महात्मा बुद्ध सरोवर के जल से बाहर निकलकर पास ही स्थित अपने आश्रम पर आ जाते हैं। दोस्तों, जब इला उन स्त्रियों के साथ सरोवर से बाहर निकलकर चल पड़ती है तो महात्मा बुद्ध उसके साथ की स्त्रियों को अपने आश्रम पर बुलाते हैं और उनसे इला के बारे में पूछते हैं। तब वह स्त्रियाँ बस इतना ही बता पाती हैं कि वह हमारी स्वामिनी इला है, हम सब उनके साथ वनों में विचरते रहते हैं, इससे ज़्यादा हम उनके और अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उन स्त्रियों से यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने अपने तप के बल से उन सभी के बारे में जान लिया था। हमने अपने पिछले एपिसोड में यह भी बताया था कि वह सभी सैनिक स्त्रियाँ किन्नरी बन चुकी थीं और महात्मा बुद्ध ने उनको पर्वत पर ही निवास स्थान बनाने को कहा था और साथ ही यह भी कहा था कि समय आने पर तुम्हें किन्नर पुरुष पति के रूप में प्राप्त होंगे। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह सभी स्त्रियां उनके बताए गए स्थान की तरफ चली जाती हैं। दोस्तों, उन स्त्रियों के जाने के बाद महात्मा बुद्ध ने इला के पास आकर उसे अपना परिचय दिया और अपने प्रेम का प्रस्ताव भी इला के सामने रख दिया। इला भी मनी मन बुद्ध को चाहने लगी थी, इस कारण वह महात्मा बुद्ध के साथ उनकी पत्नी बनकर रहने लगी। परंतु जैसे ही एक माह पूरा हुआ, इला राजा इल के स्वरूप में आ गई। उसे अपने इला रूप का कुछ भी पता नहीं था। वह बस यही सोच रहा था कि वह यहाँ कैसे आया और उसकी सेना कहाँ है। तब महात्मा बुद्ध, जो उसके बारे में सब जानते थे, उन्होंने राजा इल को बताया कि उनकी सारी सेना मर चुकी है और वह भी उस समय एक विपत्ति में है, इसलिए एक वर्ष तक तुम मेरे ही आश्रम में रुको तो मैं तुम्हारी उस विपत्ति का निवारण कर दूंगा। ऋषि की यह बात सुनकर राजा इल ने अपनी विपत्ति के बारे में भी नहीं पूछा और उनके साथ रहने का निश्चय कर लिया। इस तरह जब राजा इल एक माह के लिए अपने इला रूप में होते थे तो महात्मा बुद्ध के साथ रमण करते थे और एक माह राजा इल के रूप में बुद्ध जी के साथ धर्म के अनुष्ठान करते थे। इस तरह 9 माह के बाद इला ने अपने गर्भ से बुद्ध के पुत्र पुरूरवा को जन्म दिया, जिसे बाद में बुद्ध जी ने राजा इल को सौंप दिया था और अश्वमेघ यज्ञ करके राजा इल को भगवान शिव से पूर्ण पुरुषत्व भी प्रदान किया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।